हेलो मेरे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरी उम्मीद और मेरा विश्वास आपके साथ है, सब कुछ अच्छा और बेहतर होगा। जैसे कि आपने मेरे थंबनेल से देखा कि एक सवाल था, उसके ऊपर मैंने आपके लिए वीडियो बनाई, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट सवाल था। अगर आप सिंगापुर आना चाहते हो, मलेशिया जाना चाहते हो, यूरोपियन कंट्रीज़ में जॉब लेना चाहते हो, पोलैंड, माल्टा, क्रोशिया, बुल्गारिया, रोमानिया, जहाँ पर आपको 50,000 से 1 लाख रुपए तक की सैलरी आराम से मिल जाएगी ECR पासपोर्ट पर और ECNR पासपोर्ट पर। अगर आप मिडिल ईस्ट में जाना चाहते हो, फ्री रिक्वायरमेंट आती रहती है, तो इस चैनल से आपको जुड़े रहना है। जो आज का सवाल था, उसका कमेंट्स मैंने इसलिए क्योंकि उनको ये सेक्रीफाइस करना है कि सिंगापुर में अगर आप आ रहे हो, मीन्स आपका वर्क परमिट आया है, IPA आया है, तो उसके साथ आपका जो IPA है, तो उसके वर्क परमिट के साथ अगर आपका IPA है, तो कब आपको क्या डिफरेंस है। तो कहने का मतलब, आपने थंबनेल से देखा हो कि सिंगापुर का अगर IPA आ गया है तो वर्क परमिट में कितने दिन लगेंगे, कुल मिला के ऐसा सवाल था। तो आज मैं आपको इसके बारे में पूरी डिटेल में समझाना चाहता हूँ कि अगर आप सिंगापुर आ रहे हो एज अ वर्क परमिट पर, तो क्या प्रोसेस होती है, क्या आपका IPA आ जाता है उसके बाद आपका वर्क परमिट आता है, या IPA और वर्क परमिट दोनों एक साथ आते हैं। तो इस चीज़ को पूरा डिस्क्राइब करें। तो मेरे चैनल पर अगर आप पहली बार आए हो, पहली बार देख रहे हो, यूट्यूब की रिकमेंडेशन से ये चैनल देखा है, बिल्कुल सही चैनल देखा है, आपको यहाँ पर हमेशा अपडेट मिलती रहती है। और हाँ, इंडिया में अगर आप 10-15 हज़ार रुपये कमा रहे हो, भाई मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि विदेश निकलो, विदेश में पैसा कमा सकते हो, बचा लेना पैसा। ये सीधा साधा एग्जांपल मैं अपने ऊपर है, मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, क्योंकि इंडिया में मैंने 10-15 हज़ार रुपये की नौकरी करी है, उससे कुछ नहीं हुआ है। तो 13 साल ऑलरेडी मैंने काम करा है विदेश में, और आज भगवान की कृपा से इतना है कि हमारे को विदेश में जॉब ना रहे, तो इंडिया में रह के 50,000 से 1 लाख रुपये तक की इनकम हम कर सकते हैं। तो ये चीज़ आप भी कर सकते हो। खैर, वो वाली बात अलग है, तो वीडियो को ज़्यादा शेयर कर दो। अगर आप मेरे चैनल की वीडियोस को जाके देखेंगे, तो यहाँ पर हमेशा आपको वैकेंसीज मिलती रहती है। अब बात करते हैं, जब आप सिंगापुर के वर्क परमिट के लिए अप्लाई करते हैं, तो आपका जो वर्क परमिट है, या तो आपकी सिंगापुर की कोई एजेंसीज अप्लाई करेगी ऑन द बिहाफ ऑफ योर एम्प्लॉयर, या आपका अगर कोई जान पहचान वाला है, तो एम्प्लॉयर डायरेक्ट अप्लाई करेगा वर्क परमिट के लिए। जब आपकी एप्लीकेशन MOM मिनिस्ट्री ऑफ मैनपावर की वेबसाइट पर चली जाएगी, आप ट्रैक कर सकते हो, फिर उसके बाद 14 वर्किंग डेज में आपका वर्क परमिट अप्रूव हो जाता है। अगर रिजेक्ट होगा तो रिजेक्ट होगा, अगर अप्रूव होगा तो अप्रूव हो जाएगा। तो ये चीज़ आपको ईमेल पर IPA भेज दिया जाएगा अगर आपका वर्क परमिट अप्रूव्ड होता है। तो जो आपका वर्क परमिट अप्रूवल लेटर है, उसे बोलते हैं IPA इन प्रिंसिपल अप्रूवल लेटर, ठीक है। तो आपका वो IPA आ जाएगा आपकी ईमेल पे, आपको प्रिंट आउट करना है। उस प्रिंट आउट करने के बाद आपको फ्लाइट टिकट करनी है, SG अराइवल कार्ड भरना है, और SG अराइवल अगर आपको पता है, सिंगापुर का जब करते हो तो 3 दिन पहले आपको भरना है, कि इन्फॉर्म करना होता है कि सिंगापुर इमिग्रेशन को कि हम भाई इस दिन आ रहे हैं। SG अराइवल भरना है, फ्लाइट टिकट लेनी है, और आपका IPA लेटर लाके लाना। उस IPA लेटर में आपका कंपनी नेम, आपकी इन्फॉर्मेशन, आपका वर्क परमिट, फिन नंबर, ये चीज़ें होती हैं। फिर आप यहाँ पर आएंगे, विद इन 1 या 2 दिन बाद आपको कोई कंपनी की तरफ से आपको मेडिकल होगा, या कोई आपका जो एजेंसीज ने अप्लाई करा है वो आपकी हेल्प करेगा मेडिकल के लिए। जब आपका मेडिकल हो जाएगा, विद इन 3 वर्किंग डेज में आपका मेडिकल, जैसे आज मेडिकल हुआ तो कल या परसों में रिपोर्ट आएगी, वो रिपोर्ट मिनिस्ट्री ऑफ मैन पावर में जमा हो जाएगी, आपको वहाँ जाना पड़ेगा थंबप्रिंट और फोटो के लिए। फिर उसके बाद 3 से 4 वर्किंग डेज में आपके पास कार्ड आ जाएगा सिंगापुर का वर्क परमिट, फिर आप काम कर सकते हैं। आई होप सो वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे, लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।